हे गाइस, मैं सुमित एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी NCHM JEE का जो फॉर्म है 2020 का, वो कैसे फिल करते हैं। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स अच्छे तरीके से हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पूरी डिटेल से बताया गया है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें विदाउट स्किप किए हुए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने NTA के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली फॉर्म वाले लिंक पे आ सकते हो और इस वाले पेज पे आ सकते हो। तो इस पेज पे आने के बाद सिंपली हम लोगों ने सबसे पहले ये जो फिल एप्लीकेशन फॉर्म हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा हम लोगों के सामने। तो यहाँ पे दो परफॉर्मा दिया गया है, एक है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है और एक है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड करेंगे, तो क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है हम लोगों के सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ये जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है हम लोगों ने इसको फिल करने के लिए। फिर और इस पेज पे जितना कुछ दिया हुआ है सभी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है। सारा पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो दिया गया है, तो सभी को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को फिल करने के लिए आगे बढ़ें। देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है हम लोगों ने। क्लिक करते ही फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है हम लोगों के सामने। अब यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म को अच्छे से पूरा फिल करना है। आपका जो भी कैंडिडेट नेम है, मदर्स नेम, फादर नेम, बाकी जो भी डिटेल है उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ के अच्छे से इसको फिल करना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 2 साल से मैं ये काउंसलिंग करवा रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 साल का, तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देता हूं कि आप जो कुछ भी फिल करना वो पूरे सोच समझ के फिल करना। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत से कैंडिडेट जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम या अपने डेट ऑफ बर्थ या और भी कुछ होता है, एड्रेस वगैरह, वो सब गलती से उनका गलत फिल हो गया था, तो बाद में आपके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा इशू हो सकता है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि पहले सब कुछ अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके बाद ही फिल करो, क्योंकि बहुत टाइम है आपके पास। और हाँ, अभी थोड़ा सा आप सर्वर इशू चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगे फॉर्म फिल होने में, क्योंकि मैं भी जब ये फॉर्म फिल कर रहा था, ये एक डमी फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो इसमें भी मेरे को जो है वो बहुत सर्वर इशू आए थे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आराम से भरना, अच्छे से भरना, जो कुछ भी भरो सोच समझ के भरो इसमें। अब आपको आपका पासवर्ड यहाँ पे चूज़ करना है, तो पासवर्ड कुछ स्ट्रांग सा आप लगाओ, और क्योंकि ये पासवर्ड आपको बाद में याद रखना होगा। बाद में एक एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ से जनरेट होता है, तो उस नंबर के थ्रू ही बाद में आप कुछ अगर अपना रिजल्ट देखते हो या कुछ भी, तो वो एप्लीकेशन नंबर और ये पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हो, ये बहुत ही मैटर करता है उसको ओपन होने के लिए। तो आप ध्यान से इन सभी चीज़ों को अच्छे से फिल करो। और यहाँ सिक्योरिटी आंसर जो है, सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर आप एक जगह कहीं लिख लो या याद कर लो, क्योंकि बाद में अगर आप फॉरगेट करते हो पासवर्ड, तो ये सिक्योरिटी आंसर और क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चीज़ को आप याद रखो और पासवर्ड ज़रा अच्छे से दो। देन एंटर सिक्योरिटी पिन, ये कैप्चा जो है ग्रीन कलर में दिया हुआ, इसको आपने एंटर करके सबमिट करना है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाते हो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि पूरा शेड्यूल जो है NCHM JEE 2020 का, उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोगों को अगर जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप जाकर ये पूरा शेड्यूल जान सकते हो कि कब क्या कैसे प्रोसेस है। पूरा ऑनलाइन अप्लाई से लेकर के रिजल्ट तक का डिटेल उसमें दिया गया है। यहाँ ये रिव्यू पेज का एक नोटिस आ रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ के फिर यहाँ आप उसको क्लोज कर दें। आप मैं आपको बता दूं कि जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सभी को आप अच्छे से पढ़ना जरूर, उसके बाद ही कुछ करो। अब यहाँ एक चेकलिस्ट आ रहा है हम लोगों के सामने, तो ये जो भी है माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सब पे आपको क्लिक करते जाना है, टिक मार्क लगाते जाना है। उसके बाद आगे आपको जो डिक्लेरेशन है उसको अच्छे से पढ़ के फिर यहाँ आई एग्री पे टिक मार्क करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है हम लोगों ने। अभी यहाँ ऊपर जो है ये मैंने हाइड कर रखा है, कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने उसको हाइड कर रखा है, बाकी कोई इशू नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करें। और यहाँ फाइनल सबमिट करके आप यस कर दो। यस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है, और यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो भी जनरेट हो जाता है। और यहाँ आपको आपका एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यहाँ नीचे जो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है उस पर क्लिक करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ कुछ पर्सनल डिटेल्स आपके आ जाते हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से देख लो। और बाकी नीचे आपका जो नेशनलिटी है, आप किस स्टेट से हो, आपकी कैटेगरी क्या है, आप PWD हो या नहीं हो, ये सब कुछ यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, ये सब कुछ आप अच्छे से फिल कर दोगे।
और याद रखना कि आप जो कुछ भी फिल कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपसे बाद में मांगा जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप EWS, OBC, SC, ST या फिर अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो आपसे वो सर्टिफिकेट्स भी मांगे जाएंगे, वो डिमांड किया जाता है काउंसलिंग के टाइम पे। अब ये सब कुछ फिल कर लेने के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है 10th और 12th का वो सब कुछ यहाँ फिल करना है। आपका पास स्टेटस क्या है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, फिर से नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग या अपियरिंग। अब यहाँ पे 12th का जो आपको आपका डिटेल जो यहाँ पे फिल करना है वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे भी कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अभी 12th कर रहे हैं या उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है या उनका एग्ज़ाम बाकी है तो वो यहाँ पे अपियरिंग फिल करेंगे, यहाँ पे पास नहीं फिल करेंगे 12th में, वो अपियरिंग ही फिल करेंगे। ये सब फिल कर लेने के बाद अब यहाँ जो सिक्योरिटी पिन है जो कैप्चा है ग्रीन कलर में, उसको भी फिल कर लेने के बाद सबमिट कर लेना हम लोगों ने। सबमिट करने के बाद कुछ फिर इस तरह से एक नोटिस आएगा, इसको भी अच्छे से पढ़ के फिर आप क्लोज़ कर लो। क्लोज़ करने के बाद जो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं उसको एक बार अच्छे से देख लो, आपका पर्सनल डिटेल। फिर यहाँ आपको आपका जो चेकलिस्ट है उसको वेरीफाई करना होता है, तो उसको टिक मार्क करके एक बार ही अच्छे से देख करके आप टिक मार्क कर लो। फिर ये डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ के आपने वही स्टेप करना है, आई एग्री को भी टिक मार्क करके फिर फाइनल सबमिट कर देना है। अब यहाँ इस कन्फर्मेशन को यस कर देना है हम लोगों ने, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको यस। यस क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने नेक्स्ट इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे हम लोगों ने अब अपना जो इमेज है उसको अपलोड करना होता है, तो आप यहाँ अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे जो यहाँ नीचे एप्लीकेशन नंबर के नीचे हाईलाइट हो रहा है, तो क्लिक करते हैं अपलोड इमेज के ऊपर। तो यहाँ क्लिक करने के साथ ही कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है हम लोगों के सामने। अब यहाँ पे मैं आपको कोई एक किसी भी बंदे का एक फ़ोटो चूज़ करके यहाँ अपलोड करके दिखाता हूँ और उसका सिग्नेचर भी आपको यहाँ अपलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है हम लोगों ने। आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को समझाने के मकसद से बनाया जा रहा है। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि फॉर्म कैसे फिल होता है। अगर ये वीडियो देख करके आप अच्छे से समझ जाते हो कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं तो अच्छी बात है, आप खुद से कर लो। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप किसी अच्छे साइबर कैफे वाले के पास जाओ और वहां से अपना फॉर्म फिल करवाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो अगर आप समझ में आ रहा है तो आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत बार ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये फॉर्म फिल करना, मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप किसी अच्छे साइबर कैफे वाले के पास जाओ और उनसे ये फॉर्म फिल करवा लो। अब यहाँ कैप्चा फिल करने के बाद आया वेरीफाइड पे टिक मार्क करके आप अपलोड कर दो इस फोटो और सिग्नेचर को। अब आपका यहाँ पे इमेज भी अपलोड हो गया है। नेक्स्ट है फी पेमेंट करना, तो यहाँ जो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है एप्लीकेशन नंबर के नीचे पे एग्जामिनेशन फी, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने OBC कैटेगरी सेलेक्ट किया था या इसलिए यहाँ पे RS 900 शो हो रहा है। तो आपको आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ी वहाँ बताया जाएगा। तो आपको यहाँ से पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करने के बाद एक पेमेंट गेटवे जो है वो ओपन हो जाता है और वहाँ से आपको आपका पेमेंट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हो आसानी से। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको चूज़ एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन आएगा, आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज़ करना होगा। आप जिस भी सिटी में एग्जामिनेशन देना चाहो उस सिटी को, उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर सकते हो आसानी से। तो ये प्रोसेस जो है वो आफ्टर पेमेंट होता है, तो पहले आपको आपका पेमेंट कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आपको सिटी फुलफिल करना होता है। ये था पूरा प्रोसेस NCHM JEE 2020 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मैक्सिमम शेयर करें सभी NCHM एस्पिरेंट्स के पास। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी NCHM JEE 2020 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट पे वीडियोज आने वाले हैं, तो आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो। आपको अभी तक अगर पता नहीं है NCHM JEE 2020 का पूरा शेड्यूल, तो पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर के रिजल्ट तक का शेड्यूल ऑलरेडी मैंने बता दिया है अपने पहले वाले वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ ऊपर आई बटन में है तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो वो वीडियो। अगर आप देना चाहते हो कोई सुझाव या आपके मन में हो कोई सवाल तो आप हम इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।